ये है हमारा चैन चिनिक नंबर 4010, यहीं से वाल स्टार्ट किया हुआ है हमने। इधर में वाइडनिंग तो कंप्लीट है, इसका RHS साइड में ब्रेस्ट वाल लगा हुआ है, अभी ये 3 मीटर से स्टार्ट हुआ है ब्रेस्ट वाल। और इस साइड में है हमारा रिटर्न वाल भी है 1.5 मीटर का, इधर में लीवर है। और इसके आगे वाइडनिंग कंप्लीट है, लेकिन साइडवेड अभी तक फाइनल नहीं हुआ, 400-500 एवरेज कटिंग होगा। रॉक पोर्शन है, रॉक भी आ रहा है बीच बीच में, और ये से कंटिन्यू है हमारा थ्रो आउट है वाल। अभी फिर इससे आगे हमने 4 मीटर का वाल स्टार्ट कर दिया इधर से, क्योंकि यहाँ पे कटिंग हाइट ज़्यादा है, बहुत लगभग 9 मीटर से भी ज़्यादा होगा, इसीलिए इधर कटिंग हाइट ज़्यादा होने की वजह से हमने इधर में वाल 4 मीटर का ब्रेस्ट वाल लगाया है, और इधर में 1.5 मीटर का वो रिटर्न वाल लगा हुआ है। कटिंग कंप्लीट है, बाकी इसका आगे वाल भी थ्रू आउट है, कंटिन्यू है। वाल का फिनिशिंग नहीं हुआ है इसके वजह से, क्योंकि नीचे से लेके अभी तक सैंड यहाँ तक पहुँचा नहीं है, जो फाइन सैंड होता है अच्छा वाला, वो नहीं पहुँचा है, इसके वजह से इधर का वाल का बाहर का फिनिशिंग नहीं हुआ है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ये हमारा चेनेज नंबर है 3+910, इधर में भी 4 मीटर का वाल लगा हुआ है, क्योंकि इधर में कटिंग हाइट बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से हमने 4 मीटर वाला वाल लगाया है। ये एक्चुअली स्लाइडिंग पोर्शन है, तो स्लाइडिंग पोर्शन की वजह से इधर में पहले भी बहुत बार वाल टूट चुका है स्लाइडिंग की वजह से, एक एक पैनल 2-3 बार करके टूट चुका है। ये पोर्शन भी ऐसा ही है, स्लाइडिंग पोर्शन है, हाइट कटिंग हाइट कम से कम 25-30 मीटर होगा। इधर भी पहले हमने वाल लगाया था, लेकिन वो वाल अभी टूट चुका है, तो इधर में भी फाउंडेशन होगा। ये जो वाल बीच में जहाँ पोर्शन है, ये वाल सब टूट चुका है, इसके वजह से अभी फिर वाल लगाना पड़ेगा इधर में 4 मीटर का, आगे भी काम जारी है। ये हमारा ब्रेस्ट वाल है, ये भी टूट चुका था, 4 मीटर का वाल है, ब्रेस्टिंग फिनिशिंग नहीं हुआ, ये बार का फिनिशिंग नहीं हुआ, बाकी सब कुछ काम ठीक ठाक चल रहा है। तो आगे हार्ड रॉक पोर्शन है, यहाँ पे ब्लास्टिंग के लिए लोडिंग चल रहा है, लोडिंग कंटिन्यू है इधर। इससे पहले भी एक बार ब्लास्टिंग मार चुका है, वाइडनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है इसके। अभी ये पे RHS राइट हैंड साइड में, इधर में रॉक अवेलेबल है, तो इसके वजह से इधर में अभी ब्लास्टिंग होगा तो वाइडनिंग कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वाइडनिंग नहीं है, ड्रिलिंग करके रखा है हमने। और ये हमारा रास्ता है, अभी शार्प ग्रेड पूरी तरह से तैयार नहीं है, एवरेज कटिंग 300-400 ऐसी कुछ होगा, वो सर्वे करने के बाद ही पता लगेगा। ये हमारा चेनेज नंबर है 3844 से, मार्किंग नहीं किया हुआ है, मार्किंग जो किया था पहले ब्लास्टिंग में चला गया है, इसलिए नहीं दिख रहा है। इधर में भी ड्रिलिंग होकर रखा है, आज ब्लास्टिंग हो जाएगा इधर। ये लगभग है 3750 ऐसे कुछ होगा। इसके आगे भी रॉक है नीचे वाला पोर्शन में, राइट हैंड साइड में। हमने ये वीडियो बना रहा है 4000 से लेके 3750 के तरफ। ये है हमारा 3720 चैनेज, इससे पहले भी यहाँ पे एक ब्लास्ट हो चुका है। इसके आगे वो आगे वाला पोर्शन में पूरा हार्ड रॉक है, ऐसे हार्ड रॉक है, तो वो पे अभी घुसने के लिए मुश्किल है, वो ब्लास्टिंग होके घुसना पड़ेगा। 3700 मान के चलते हैं, 3700 से लेके उधर 3000 तक जो पोर्शन है, यहाँ बीच में एक लूप भी है, वो ये पोर्शन पूरा रॉक पोर्शन है, ये इधर से घुसना पड़ेगा। इसके नीचे हमारा दूसरा एलिमेंट है, उधर में काटिंग हो चुका था, पहले वाइडनिंग भी हो चुका था, अभी वो स्लाइडिंग होके ख़त्म हो गया है, घुसने के लिए भी जगह नहीं है उधर में, और इससे आगे ब्लास्ट होके आगे जाना पड़ेगा। यही पोर्शन है जहाँ से ब्लास्ट होके हम लोग आगे घुसना पड़ेगा 3000 की तरफ, यहाँ से ब्लास्टिंग होते होते हम लोग 3000 की तरफ जा सकते हैं। इधर से प्रो हार्ड रॉक है, इससे पहले ब्रेकर से ट्राई किया था आगे वाला पोर्शन, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया,